हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 12 का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई थिंक मैं दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड सेकेंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टाफिंग का मीनिंग मालूम होगा। यहाँ पे खाली ओनली फॉर स्टाफिंग ING एक वर्ड जो यूज़ करा हुआ है उसको मैं हटा के खाली बोलूँ तो जनरली स्टाफ, आपको सभी को मालूम है, आपने स्टाफ वर्ड तो सुना हुआ है कि अगर कभी भी हम लोग कहीं कोई काम करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पीपल गैदर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टाफ बोला जाता है। जैसे कि आप इन फ्यूचर अगर किसी फॉर्म के अंदर आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे अगर आप जैसे कि माना कि 5 जने इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हैं सो इट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। तो किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए स्टाफिंग क्या है, सबसे मेन प्रोसेस होती है, क्योंकि विदाउट स्टाफ कभी कोई काम होने वाला नहीं है। एज अ स्टूडेंट यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल, अब स्कूल के अंदर माना कि आप बैठे हो एक क्लास के अंदर, 12th के अंदर आपका लेक्चर चल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 50। अगर आप एक क्लास के अंदर 50 बैठे हो तो मैं वहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि पूरा यहाँ पे 50 बच्चों का क्या स्टाफ है, यानी पूरे 50 बच्चों का जो ग्रुप हुआ इट इज़ कॉल्ड स्टाफ। तो इसी यही चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी आती है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टाफिंग क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको स्टाफिंग के कंसेप्ट के अंदर बता दूँ कि स्टाफिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है रिक्रूटमेंट, यानी पहले हमको स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, यानी उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट करने के बाद हम लोग उसमें से क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में जो अव्वल आते हैं उनको किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करने दिया जाता है। अगर वो किसी काम को अच्छी तरह से करते हैं तो उनको क्या करा जाता है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर क्या करते हैं हम लोग, प्रमोशन यानी आगे बढ़ाते हैं उनको, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड पोस्ट रिटायरमेंट एंड आफ्टर द एज कम्प्लीशन, जब उनकी एज खत्म होती है तो हम उनको क्या करते हैं, रिटायर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग स्टाफिंग के अंदर देखेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। ओके चलिए, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। उसके अंदर पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो एज यू ऑल नो दैट, मैंने आपको पहले ही बोला अगर विदाउट स्टाफ कोई भी काम होने वाला है क्या, कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का सबसे मेन टास्क क्या है, स्टाफ। अगर मेरे पास मेन पावर ही नहीं है तो मेरे मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो मैं अच्छे से प्ले कर पाऊंगा नहीं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का सबसे पहला टास्क क्या होता है, तो स्टाफ को क्या करना, सिलेक्ट करना। ओके अगर मेरे पास एज अ मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर होकर मैं एक स्कूल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, काम होगा। बाकी स्कूल के अंदर ऐसा होता है क्या कि एक प्रिंसिपल आ रहा है, एक ट्रस्टी आके क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, नहीं। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेंबर, जैसे कि मैं ऐसा बोलूँगा अकाउंट सब्जेक्ट के लिए एक टीचर आएगा, स्टेट्स के लिए आएगा, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से टीचर रखा हुआ, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अलग से टीचर रखा हुआ। तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टाफ को सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके चलिए सेकंड पॉइंट, पेरिनियल प्रोसेस। पेरिनियल प्रोसेस यानी क्या होता है, पेरिनियल प्रोसेस का मीनिंग ऐसा है कि पेरिनियल यानी क्या, मैं बोल सकता हूँ कंपलसरी प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला कि अगर आप स्टाफ रखेंगे नहीं तो आपका काम तो होगा ही नहीं, आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव गोल फिक्स करना है वो आपका होने वाला नहीं है। सो इट इज़ अ पेरिनियल प्रोसेस, यानी विदाउट अ स्टाफ यू कांट डू एनी वर्क, आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुली नहीं होगा। ओके योर मैनेजमेंट टास्क एंड योर गोल विल नॉट बी फुलफिल विदाउट अ स्टाफ, सो इट इज़ अ पेरिनियल प्रोसेस। सो यू कैन मेंशन अ पॉइंट लाइक कंपलसरी प्रोसेस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देन थर्ड वन, कंसर्न विद द ह्यूमन रिलेशन। अब स्टाफ के अंदर काम कौन करेगा, पता ही है ना हमको, ह्यूमन ही काम करेंगे ना वहाँ पे। ओके तो ये किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन के साथ। एज अ माना कि अगर आप किसी फॉर्म में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे कि एज अ टीचर अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। मैं ऐसा चलो माना कि मैं यहाँ पे BA का एक टीचर हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे रिलेशन होंगे किसके साथ, मेरे प्रिंसिपल के साथ, हमारे ट्रस्टी मेंबर के साथ, दूसरे टीचरों के साथ। तो ये क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन के साथ क्या होता है, कंसर्न होता है, यानी स्टाफ के अंदर आपको ह्यूमन रिलेशन रखने पड़ेंगे। ओके देन फोर्थ वन आता है, स्टाफिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके माइंड में क्लियर कर दूँ वर्ड डायनामिक। डायनामिक यानी क्या, जो टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। तो बेटा सही है ना, स्टाफ बिकिंग भी क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। आप किसी फॉर्म में माना कि एज अ न्यू रिक्रूटमेंट होती है, आप किसी कंपनी के अंदर आप बेटा आपका एजुकेशन के बाद आप जब कंपनी में जाओगे तो डायरेक्ट तो आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी नहीं। फर्स्ट पहले आप क्या करोगे, किसी कंपनी में छोटी पोस्ट पर रहोगे, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, देन जाके आप कहाँ बढ़ोगे, क्लास 1 ऑफिसर बनोगे। तो स्टाफिंग क्या डायनामिक प्रोसेस है, जैसे जैसे अंदर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे ना, यानी आप लोग कुछ नया नया स्किल जनरेट करोगे,
आप किसी फॉर्म में से कुछ नया सीखोगे तो आपका स्टाफिंग क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो स्टाफिंग हमेशा क्या होती है, डायनामिक होती है, स्टाफिंग कभी सेम रहता नहीं है। समय के हिसाब से हमारा स्टाफ क्या होता है, बदलता रहता है। आप अभी अहमदाबाद की ब्रांच में काम कर रहे हो, इन फ्यूचर आप दिल्ली की ब्रांच में काम करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक नया स्टाफ मिलेगा। ओके, चलिए देन फिफ्थ वन, रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन। सही है, ये भी स्टाफिंग हर एक जगह जरूरत पड़ेगी। अगर आप माना कि मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप भाई कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, तो ऐसा जरूरी है कि आप खाली आईटी का ही काम करेंगे? अगर कोई बंदा आपके पास आया बोले भाई ये परचेस का इतना काम है, ये मार्केटिंग का इतना काम है, कि तो क्या आप नहीं करोगे क्या? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट के साथ क्या हो चुके हो, टाई अप। और अगर आप मैनेजमेंट के साथ टाई अप होते हैं तो आपको मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सो इट इज़ रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन, यानी मैनेजमेंट के जितने भी टास्क हैं हर एक जगह स्टाफिंग की तो जरूरत पड़ने वाली है। चलते हैं सिक्स वन, वाइड स्कोप, अगेन अ गुड पॉइंट। आज माना कि मैं स्कूल चला रहा हूँ या तो मैं एज एक बिजनेस चला रहा हूँ। अगर मेरे बिजनेस के अंदर मैंने एक नया बिजनेस चालू करा तो मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, मेरा बिजनेस अच्छा चला, मैं अच्छी खासी इनकम कर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यार दूसरी ब्रांच खोलनी पड़ेगी, मैं कहीं दूसरी ब्रांच ओपन करूँगा तो वहाँ पे वापस मेरा स्टाफ बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज ही होगा ना, बट ऑब्वियस। ओके, पहले मेरे पास 10 मेंबर थे, अब मेरे पास कितने मेंबर हो जाएंगे, 20 हो गए। तीसरी ब्रांच खोली, वहाँ पे मुझे 20 मेंबर की और जरूरत पड़ी, कितने हो गए, 40। एक और ब्रांच खोली, वहाँ पे मुझे 40 बंदों की थी, 80। सो इट इज़ अ वाइड स्कोप, क्योंकि जितना आपका स्टाफ बढ़ेगा तो उतना आपका मैनेजमेंट के फंक्शन बढ़ेंगे, आपका फॉर्म उतना आगे बढ़ेगा। सो इट इज़ अ वाइड स्कोप एक्टिविटी, यानी हमेशा स्टाफिंग क्या होता है, वाइड स्कोप। अगर आप जितना स्टाफ आपका ज़्यादा होगा उतने आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी गैदर कर सकते हो, आपका मैनेजमेंट का जो गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। ओके, एंड सेवन्थ आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। हर एक बिजनेस फॉर्म के लिए ऐसा होता है कि वो लोग जब स्टाफिंग को रखते हैं ना तो स्टाफिंग उनके लिए क्या होता है, एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है ना, आप किसी फॉर्म में जब जॉब करने जाओगे तो बेटा आपके लिए बिजनेस वालों ने बहुत पहले से खर्चा करा है, कंपनी वालों ने आपके लिए क्या क्या खर्च करे थे। आप गए इंटरव्यू में तो पहले आपके लिए इंटरव्यू प्रोसेस रखी, अब इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आप सिलेक्ट हुए, सिलेक्शन होने के बाद आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें करवाई जाती, तो आपके लिए बहुत ही एक्सपेंस करते हैं वो लोग। क्लियर है, किसी भी फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको ट्रेनिंग देने का एक्सपेंस करना पड़ता है उनको, कहीं आप शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर जॉब के अंदर आपको ऐसा बोला गया कि भाई आपको अहमदाबाद से कहाँ जाना है, बड़ौदा जाना है, बड़ौदा से आपको फिर क्या करना है, वाया वहाँ से आपको राजकोट जाना है, राजकोट से आपको गांधीनगर आना है वापस, गांधीनगर से वापस आपको ऐसा मान पड़ा भाई दूसरे दिन आपको बॉम्बे जाना है, तो बिजनेस का जो फॉर्म होता है वो आपके लिए क्या करता है, एक्सपेंस भी कर रहा है। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आपको ये सातों सात पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग आपको इजीली क्लियर हो चुके होंगे। ओके, चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा पॉइंट भी देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो उसके अंदर भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ ड्राइविंग फोर्स, डायनेमिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग स्टाफ, हार्मोनी रिलेशन, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूस सोर्सेज। चलिए एक एक करके मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट वन है ड्राइविंग प्रोसेस, अगेन वही टॉपिक मैं ज़्यादा वो करूँगा, ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में आपका स्टाफ है तो वो आपको क्या करेगा, फोर्स करेगा, आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। यानी एक गाड़ी के अंदर कौन होता है, ड्राइवर होता है, विदाउट अ ड्राइवर अ कार इज नेवर विल बी मूव्ड। गाड़ी के अंदर ड्राइवर ही नहीं है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना स्टूडेंट। ओके, तो यही है, स्टाफिंग अगर है तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, अगर स्टाफ ही नहीं है आपके पास तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगी। सो इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। सेकंड, डायनामिक एक्टिविटी, जो मैंने आपको आगे भी बताया था कि डायनामिक प्रोसेस, स्टाफ कभी सेम नहीं रहने वाला है, स्टाफ क्या होने वाला है, दिन पे दिन चेंज होगा। आप किसी फॉर्म में काम करोगे तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, नए स्टाफ के साथ काम करना पड़ेगा। सो इसका एक और इंपॉर्टेंस है कि ये कौन सी एक्टिविटी है, डायनामिक है। थर्ड वन, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के ऊपर आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैंने आपको बोला था कि आपके यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो रहा है, जैसे माना कि आपके यहाँ पे परचेस का फंक्शन हो रहा है, सेल्स का कर रहे हो आप, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या होगा, अलग अलग बंदों की जरूरत पड़ने वाली है। सो वहाँ पे भी आपके स्टाफ की जरूरत आपको पड़ेगी। फोर्थ वन, लिम्स, हमारी बॉडी के अंदर अगर लिम्स नहीं होता हमारी बॉडी पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करा हुआ है कि स्टाफ होता है वो क्या है, किसी भी फॉर्म के लिए क्या है, उसके लिम्स हैं, क्योंकि अगर लिम्स होंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, वर्क करेगी। तो इसी तरह से अगर स्टाफ के अंदर
मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ मेंबर हो गए तो ही हमारा एंटरप्राइज क्या करेगा, वर्क करेगा, बिकॉज विदाउट अ लिम ह्यूमन लाइफ विल नेवर बी पॉसिबल. सो फॉर अ मैनेजमेंट विदाउट अ स्टाफ अ मैनेजमेंट वर्क कांट बी पॉसिबल. सो द मैनेजमेंट विल नॉट एबल टू गेट और फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव. सो दे आर कॉल्ड लिम्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड देन आता है फिफ्थ वन, जॉब सेटिस्फेक्शन. ये भी एक अच्छा पॉइंट आ रहा है. आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले हर एक मेंबर को बेटा क्या चाहिएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जॉब सेटिस्फेक्शन आप कहाँ से दोगे उनको, अच्छी सैलरी देके, बोनस, कमीशन, अवार्ड्स, आप लोग बताए ना उनको, अच्छा प्रमोशन दोगे, क्लियर है. अगर ये सब चीज़ें आप करोगे, उनकी केयर करोगे आपके स्टाफ मेंबर की, तो आपका क्या होगा, स्टाफ जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. तो इस तरह आप उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन दिला सकते हो. सिक्स वन, हारमोनी रिलेशन. आपको थोड़ी हारमोनी रखनी है, हारमोनी इन द सेंस हमने बोलते हैं ना, थोड़ा प्रेम से आपको बात करना है. अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, कोई आपको अगर धुतकार के बात कर लेगा, यार आप ऐसे काम कर रहे हो, आपका काम थर्ड क्लास से इस तरह से कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे कोई भी काम रहेगा नहीं. आप क्या करोगे, दूसरे दिन ही उस फर्म को लेफ्ट कर दोगे. सो आपको एक चीज़ रखना पड़ता है, हारमोनी रखनी पड़ती है हर एक मेंबर के साथ. मैनेजमेंट के जितने ही बंदे, हर एक के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हारमोनी रखनी पड़ेगी. सेवन, हाँ, इंक्रीज इन द प्रेस्टीज. प्रेस्टीज तो आपको मालूम है, इज्जत, वैल्यू, गुडविल. अगर आपका स्टाफ अच्छा होगा तो, आज अगर मैं माना कि एज अ टीचर मैं मेरी स्कूल चला रहा हूँ, मेरे स्कूल के अंदर माना कि अगर मेरा स्टाफ मेंबर बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरी क्या होगी, वैल्यू बढ़ने वाली है, मेरी जो स्कूल है उसकी प्रेस्टीज क्या हो जाएगी, ऑलरेडी ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी. सो अगर आपके पास स्टाफ अगर प्रॉपर है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज है वो क्या हो जाएगी, ऐसे ही दिन पे दिन बढ़ती रहेगी. ओके, एंड लास्ट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस. क्योंकि स्टाफिंग ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे मैंने अभी आपको आगे बोला था कि मेरे फॉर्म के अंदर पहले 10 बंदे काम करते थे, मैंने दूसरी भी अगर ब्रांच ओपन करी तो वहाँ पे वापस 10 बंदों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी. सो कभी भी स्टाफिंग बंद होता नहीं है. ओके, स्टाफिंग ऑलवेज कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलने वाली. क्योंकि विदाउट अ स्टाफिंग अ मैनेजमेंट विल नेवर बी फुलफिल देयर गोल्स. ओके, क्योंकि वो लोग अपने गोल्स फुलफिल कर पाएंगे नहीं. सो स्टाफिंग हमेशा कैसी चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूस. इसलिए आपको जो भी स्टाफिंग होता है उसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस बेसिस पे चालू रखना पड़ता है. ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है आपके दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.